भारत में व्यक्तिगत दुर्भावना और मुकदमेबाजी के लिए याचिकाओं का दुरुपयोग किया जाता है। माननीय न्यायालय भी मानते हैं कि ये एक खराब तरीका है। इसीलिए ये खबर उन्हें सचेत करेगी जो व्यक्तिगत दुर्भावना या राजनीति से प्रेरित होकर याचिकाएं दर्ज करते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इसे राजनीति से प्रेरित और प्रचार प्रसार के लिए याचिका दायर करने का दोषी भी माना। न्यायमूर्ति पीवी कृष्णन ने याचिकाकर्ता पीटर माइली परमपिल को 6 सप्ताह के भीतर केरल राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को 1,00,000 रुपए जमा कराने का निर्देश भी दिया है। साथ ही अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निर्धारित समय के भीतर अगर राशि जमा नहीं कराई गई तो KLSA याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्व वसूली की कार्रवाई शुरू करेगी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों और समाज को ये बताने के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है कि इस तरह की तुच्छ दलीलें जो न्यायिक समय बर्बाद करती हैं, उन पर अदालत विचार नहीं करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री की तस्वीर और टीकाकरण प्रमाण पत्र पर मनोबल बढ़ाने वाले उनके संदेश पर जो आपत्ति जताई है, ऐसा करने की देश की किसी नागरिक से अपेक्षा नहीं है। उम्मीद है कि राजनीति करने के लिए जनता की सहूलियत याचिका का अब दुरुपयोग नहीं होगा।